कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री श्री राधा रमन भगवान की कृपा से और फिर दो वर्ष के बाद और महाराज जी के दर्शन हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। अभी वी आर ऑलरेडी लेट, सो बहुत टाइम नहीं लूंगा। महाराज जी भगवान के धाम से आए हैं और भगवान श्री श्री राधा रमन का संदेश लेके आए हैं हमारे लिए। शायद हम हर संडे को और दो तीन घंटे हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो उसका जो पुण्य इकट्ठा हुआ दो वर्ष में उसका ये पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय नाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो। भक्तियाधलक्षिप्वाश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणं। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अपना दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी तथा आप लोगों के प्रभुपाद जी को संन्यास दिया था मथुरा में। और मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रयोग विष्णुपाद शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को भी उसी तरह से कोटि कोटि बार उनके चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। शायद आप लोग जानते होंगे कि 1946 से ही हमारा संपर्क स्वामी जी से था। हमारे पास में आकर के वो घर छोड़ करके हमारे पास रहे, वहीं वहीं पर उन्होंने संन्यास लिया और मैंने उनकी सारी पुस्तकें और सारी कुछ मृदंग खोल करताल यहाँ तक के विग्रहों को भी मैं भारत से उनके पास में पहुँचाया। अंतिम समय में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप हमारी यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और हमारी अंतिम समाधि आप ही के हाथों से होनी चाहिए। और मैंने अपने हाथों से ही वैदिक रीति के अनुसार में उनको समाधि दी। उनका अंतिम विरह महोत्सव भी वहां पर मनाया गया हमारे ही सुपरविजन में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे बच्चों को आप सहायता भी देंगे, उनको शिक्षा भी देंगे। हमको उन्होंने अपने समय में अपने साथ में अमेरिका इत्यादि प्रचार में हमको साथ में लाना भी चाहते थे, किंतु मैं अपने गुरु जी की सेवा में उस समय संलग्न था, इसलिए कुछ देर हुई आने। मैं तो ये समझता था कि मैं यदि लॉस एंजल जाऊंगा तो आप लोगों की छत्र छाया में दो चार दिन यहाँ पर रह जाऊंगा, किंतु किसी कारण से यह संभव नहीं हुआ। किंतु आप जब मैं फिर आऊंगा अंततः चार पांच दिन के लिए एक अतिथि के रूप में भी आप लोग हमें रख सकते हैं। भारतवर्ष एक अतिथि प्रधान देश है, अतिथि देवो भव। इसलिए यदि कोई भारत का अतिथि भी आ जाता है तो उसको रखने में कोई नहीं है। और मैं आप लोगों से प्रवासी हमारे अपने भाई हैं,
हम लोग अपने एक फैमिली के हैं, एक जल्द पैदी कल्चर के हैं, इसलिए हमको आप लोगों के निकट मैं अधिक समय न लेकर के मैं अपना वक्तव्य मैं आरंभ करता हूँ कि हमारे ब्रह्मा से लेकर के नारद से लेकर अब तक स्वामी जी तक हमारे गुरु जी तक भक्ति का प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य है। हम लोग भूल करके भगवान को भूल करके इस जगत में कोटि कोटि जन्मों से, एक दो जन्मों से नहीं, कोटि कोटि जन्मों से कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी संधारण, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी दरिद्र, कभी चींटी, कभी पशु इत्यादि के जन्मों में घूम रहे हैं सुख के लिए, किंतु हम लोग अभी तक सुख से प्रसन्न नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो सके। न जाने फिर न जाने कौन सी जोड़ी मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं मिली। इसलिए व्यास जी ने नारद जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से श्रीमद् भागवत संहिता का अपने समाधि में दर्शन किया और जीवों के कल्याण के लिए इसको अक्षरात्मक रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में इसका संपादन करके जगत में इसको प्रकाशित किया। तब से जगत में इसका चौला चैतन्य महापुरुष जी ने इसे प्रमाणित माना और अपने जीवन में इसका आचरण किया। हम उसमें से दो एक बातें आप लोगों को मैं इसमें से बताऊंगा। सबसे पहले ये निश्चित धारणा रखेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और जितने भी भगवान के अवतार निकले हैं ये सब कृष्ण से ही, इसमें कोई शंका मत करेंगे, क्योंकि व्यास जी, नारद जी, पराशर जी, परीक्षित महाराज, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इत्यादि कहा कृष्ण और उस भगवान को पाने के लिए, नित्य सुखी होने के लिए एकमात्र भगवत भक्ति ही पथ है, दूसरा कोई पथ नहीं है। और वो भक्ति कैसे आएगी, एकमात्र पथ है संतों का सत्संग, बिनु सत्संग न पावन ज्ञान। बिना भगवत भक्तों के, जो हम लोगों से ऊपर स्टेज के हैं, जिनको अनुभूति नहीं है, जैसे स्वामी जी यहाँ अकेले आकर के सारे विश्व में भक्ति का प्रचार, वो यदि कृपा करके न आते, कृष्ण और या चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं भेजते, प्रेरणा नहीं देते, नहीं आते, आज सारे विश्व में जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग, लौ मात्र साधु संग, साधु संग, साधुओं के संग से मनुष्य का, हाथी, सिंह, भालू, पशु, पक्षी, कीट, गंधर्व, राक्षस, राक्षसों में विभीषण जैसे लोग हनुमान जी की कृपा से कैसे बन गए, बंदरों में सुग्रीव, ये सब साधु संगों का फल है। अरे शबरी जैसी एक हिरणी, कुछ भी नहीं जानने वाली और भगवान को वशीभूत कर लिया, सत्संग का प्रभाव। इसलिए बिनु सत्संग न पावन ज्ञान, यह भगवत भक्ति संसार में बहुत रेयर है, किंतु सत्संग के द्वारा इसको पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है, यदि महाभागवतों के मुख से, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से जिनको संसार की कोई भी तमन्ना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वो समझ चुके हैं कि संसार क्या है, छायाबाजी की तरह, छायाबाजी में जैसे रात में छोड़ते हैं आकाश में गुब्बारे टब्बारे और एक मिनट में फिर ध्वंस हो जाते हैं, संसार का संसार में आपने मनुष्य के जीवन में सैकड़ों वर्षों में, 100 वर्ष की आयु में आपने जो कुछ कमाया, अंत में सबको छोड़ छाड़ करके जाना होगा, एक कब्र तक यह शरीर, एक ये भी नहीं लेकर के जाना है, इस चीज को समझना है। यदि भगवान का भजन किया तो ये आपके साथ में जा करके आपको कुछ कंसेशन दिला देगा या भगवान की सेवा में नियोजित होगा।
इसलिए भगवान की जितनी भी चीजें हैं उसमें सत्संग में हरि कथा भागवत की कथा होनी चाहिए। सदानंद संगम हृदय संविदौ पवन तीर्थ कारण रसायन कथा तज्जो सनात आशु अपवर्म वर्तमनि सिद्धार्थी भक्ति अनुपनिष्य। सत्संग में यदि श्रीमद् भागवत का चैतन्य चरितामृत का श्रवण किया जाए तो बहुत सहज रूप में बिना पैसे के बिना किसी एनर्जी दिए हुए सहज स्वाभाविक रूप में हम भगवान के प्रति श्रद्धा भगवान के प्रति फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति लाभ करके इस संसार को छोड़कर फिर सदा के लिए कृष्ण सेवा में निवृत्त हो सकते हैं। मैं श्रीमद् भागवत को प्रसंग आपको इसमें से सीखने की चेष्टा करेंगे ग्रहण करने की चेष्टा यदि अच्छी लगे तो और न लगे तो कोई बात नहीं। मैं अपना अपनी दुकान में जो रहने वाले जो फल हैं मैं उनको लेकर के वृंदावन में फिर लौट जाऊंगा। जैसे ले लिया अच्छा है और बिना मूल्य का दूंगा फ्री, कोई पैसा नहीं चाहता, उसके बदले में कोई भी हमारा वांट नहीं है। वृंदावन से सुंदर मीठे मीठे फल ले आया हूँ अपनी टोकरी में, यदि आप लेना चाहेंगे तो उसे ले लें और नहीं पसंद हो तो जैसे कि दूध गली गली जाता है कोई नहीं लेता और लीकर के दुकान में शराब के दुकान में इतना भी बचता नहीं है। यदि कोई दूध फ्री भी बांटे तो नहीं लेंगे, कोका कोला ले लेंगे बहुत आसानी से। तो इसलिए मैं मदन मधुर ये जो वृंदावन से जो फल लाया हूँ उसको यदि ले ठीक है और नहीं तो मैं अपना लौटा करके वृंदावन भी चला जाऊंगा। वहां पर बहुत ग्राहक है और वहां पर मूल्य भी बहुत है, वहां पर मूल्य देने से पर भी बहुत सारा। नारद जी के शिष्य ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा जी ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया, बोले मैं एक बार पृथ्वी लोक में गोकुल में गया और वहां पर एक नंद भवन में एक नंद गोप के घर गए, एक बड़े सुंदर लड़के को मैंने देखा, उसको देखने से चित्त को वो हर लेता है, बहुत छोटा सा सिर पर मोर मुकुट अधरों पर बंसी पीतांबर कपड़े पहनता है, बड़ी लोभनीय दृष्टि से देखता है, एक बार यदि कोई भी देखा बस उसका वो हो जाता है, उसका दिल चुरा लेता है। दो दिन के बाद ही जन्म के दो दिन बाद ही कंस की भेजी हुई पुत्र गई और सहजी रूप में उसके कालकूट बीस स्तन से पीकर और उसे कहा माता की गति देगी। मैंने ये भी देखा और सुना कि कंस ने उसको मारने के लिए बहुत से असुरों को भेजा जो कि हवा बंद करके गए, कोई बिना देखे हुए जाकर के गाड़ी में प्रवेश हो गया, कृष्ण को पिचकना चाहा कुचलना चाहा, किंतु जो गया वो संवाद देने के लिए लौटा नहीं। मैंने ये भी देखा कि अब थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर छोटे छोटे बछड़ों को लेकर और हजारों दाम सुदाम सुदाम वसुदाम स्तव कृष्ण लवंग अर्जुन उज्जल मधुमंगल इत्यादि सखाओं को लेकर एक वंश से दूसरे का कैसे जाता है। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकारम बृहत बासक पर कपिशम भय जयंती रंध्रान वैन रथर सुधया पूरयन लोक बिंदई वृंदारण्यम सबदर्वणम प्राविशतम। और बिजली के समान की कंपन उसके कारण है, मनुष्य का शरीर कैसा है मेघ के समान में नील करता है। बंसी तो मानो कमाल करती है, सखा लोग चारों तरफ से उसे घेरे रहते हैं, जय कन्हैया लाल की कहते हैं और लाखों गायें उसके पीछे आगे पीछे बाहर में इधर उधर दौड़ती रहती है और उन गईयों को लेकर के एक सुंदर वृंदावन के वन से दूसरे वन में जाता है।
जहाँ जाता है हिरण भी उसके मुख के तरफ में कर करके उसे प्राणी की भिक्षा मांगते हैं, प्राणी मेरे प्यार की भिक्षा मांगते हैं। अपना वो मुख नहीं हटा सकते, नेत्र उनके मुख से नहीं हटा सकते, मेघ उन पर उमड़ घुमड़ कर सुशीतल जल की वर्षा करता है कि हमारे प्रेम नीचे आ गए। यमुना नदी समझती कि हमारे प्रियतम आ गए और अपने हाथ रूपी तरंगों से उनके चरणों में कमल की पुष्प को देती है। आपको पता है ये सब चीज मैं भूल गया, मुझे याद दिला, मैं अभी जाता हूं कल ही जाऊंगा। जब गोचारण करने के लिए जाता है ब्रह्मा जी दूसरे दिन वहां उपस्थित हुए, ब्रज मंडल आकाश मंडल में देख रहे हैं जय कृष्ण ऐसे ही गायों को लेकर के जा रहा है चराने के लिए। जाते जाते उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा भारी सांप अजगर, 6 मील लंबा और 1 मील चौड़ा और 1-2 मील ऊंचाई में, और उसने ऐसे मुंह खोल दिया है जैसे एक मुख पृथ्वी पर और दूसरा उसका होठ आकाश ऐसे लगा हुआ है, मानो पर्वत हिमालय पर्वत की कोई मीलों लंबी चौड़ी कोई गुहा हो। सामने में कालीन लाल बिछा हुआ है, कालीन नहीं है वो जीभ उसकी है, और उसके भीतर से बड़ी दुर्गंध आ रही है क्योंकि कितने जानवरों लाखों जानवरों को अपने पेट में रखा है और आग विष की निकल गई है। सखाओं ने देखा, ब्रह्मा जी ऊपर में देख रहे हैं और भी देवता लोग ऊपर में हैं, देवियां वहां पर चारों तरफ से कृष्ण की लीला को देखने के लिए आकाश मंडल में परिव्याप्त है विमानों पर, और उसी समय में ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सखाओं ने देखा उन्होंने कहा अरे ये क्या है, ये पर्वत तो मानो सांप के समान है, ये भारी कंगरा जैसा इसमें है, ऐसा मान लगता है कि अजगर किंतु है ये पहाड़ की कंगरा, चलो भीतर में जरा देखा है। तो कृष्ण थोड़े से पीछे थे, बछड़े आगे थे और ये सखा लो। एक ने कहा कि भाई यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो, यदि असुरों की माया हो तो, अरे कन्हैया तो है पीछे क्या बात है, कल कोई बात। अब उस दिन बाई चांस बलदेव जी साथ में खेलते हुए बांसुरी बजाते हुए और सिंगा बजाते हुए लोग आगे बढ़े, पर्वत की कंदरा में ज्योनी माने सांप के मुख में ज्योनी हो जा रहे, वो कृष्ण को मारना चाहता था, यही अघासुर था। अघासुर माने क्या, अघ की मूर्तिमान मूर्ति, पाप होते हैं जितने समस्त पापों को ब्रह्म हत्या से, गो हत्या से, मातृ हत्या से, गुरु पत्नी के हत्या व्यभिचार से, जितने भी बड़े से बड़े पाप हैं वो सब का वो मूर्तिमान विग्रह था। कृष्ण को कंस के मित्रता के नाते मारना चाहता था, कंस ने उसे भेजा था, इसलिए बच्चे जब प्रवेश करने लगे कृष्ण ने देखा बहुत उस, अरे हाय हाय ये क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, उनको बोध करके रोकना चाह किंतु जरा दूर थे इसलिए नहीं रोक सके। इतने में ये लोग प्रवेश करके बच्चों के साथ में सारे सखा लोग, और प्रवेश करते ही उसके भयंकर विष की सुगंध से गंध से सारे बच्चे मूर्छित होकर के उनके पेट में, किंतु उसने अपना मुख बंद नहीं किया, अभी असल शत्रु तो आया नहीं इसलिए मुख को खुला रखा। कृष्ण भी देखा कि मुझे जल्दी से प्रवेश करके बच्चों को और बछड़ों को बचाना है, भीतर में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तब ही जब अपना मुंह बस काम समाप्त, अभी मैं अपने स्वामी को अभी खबर देना है जैसे वो आपका शत्रु नष्ट हो गया, और जैसे ही बंद किया कृष्ण की अमृत भरी दृष्टि से सारे बछड़े और बच्चे जीवित हो गए। और इधर में कृष्ण एक लाल लोहे की गोले की भांति जलते भी अंगार की भांति उसके गले में, अब वो भीतर भी सांस नहीं ले रहा ऊपर भी नहीं, भई गति सांप छुछुंदर केरी, किसी सांप ने छुछुंदर को अपने गले में ले लिया, न भीतर ले जा रहा न बाहर, वही पच्छर पच्छर से मर जाता है। ऐसे ही गले में कृष्ण रुद्ध हो गए,
अब बाहर न जाए न भीतर न श्वास ले सके न प्रश्वास, मिनटों में उसकी आंखें दम निकल आई और साथ ही साथ में उसके प्राण निकलने लगे। ब्रह्म रत्न उसका फट गया। ए बैठो, बैठ जाओ, अब जब यहां पर अटक गया तो सांस नहीं ले सका, छटपट छटपट करते कर ऐसे करने लगा और साथ ही साथ में उसके प्राण यहां से फट गए और निकल गए। जो भी लोग समाधि में अपने चित्त को पवित्र कर लाखों वर्ष तक तपस्या करने पर भी जिस कृष्ण को अपने ध्यान में भी नहीं ला सकते, आज देखो तो कृष्ण की ऐसी कृपा है, जो अघासुर के पेट में चले गए अकेले नहीं, लाखों करोड़ों सखाओं और बच्चों के साथ और स्वयं चले गए अपने स्वरूप से। ये किस पुण्य का फल है विचार करें। हाँ, ये कोई पुण्य का फल नहीं है, एक चीज का फल है। क्या? उतना ने मैया का वेश बना करके, अरे बेटे 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 ला 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 ला, और क्या करके कृष्ण मुख के मुख में जो बीज दिया, ये वेश जो बनाया, ये वेश बनाने का फल है। और यदि सचमुच में कोई भगवान के प्रति ऐसा हो तो उसके लिए बात की क्या। अगर उसने कोई तपस्या नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, केवल उसकी बहन होने के नाते उतना, और देखो ये कैसी गति। इसी तरह से भगवान के भक्तों के प्रति यदि वेश भी बनाया, गले में तुलसी भी ले लिया, तिलक भी यदि कर लिया, जब उसको कभी देख नहीं सकता, भूल से भी जाकर के राधा रमन जी को प्रणाम कर लिया, स्वामी जी को प्रणाम कर लिया, अनजाने में ही मंदिर की परिक्रमा कर लिया, जम की हिम्मत नहीं जो आपके आसपास में आ जाए। ये अजमाई हुई चीज है, परीक्षा की चीज है, इसमें कोई डाउट मत करो, कोई भी डाउट मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा तो उसका ये फट गया। अब देखो तो इस आज तक मैं जिस प्रभु को अपने ध्यान में नहीं पाता और ये प्रभु अपने बच्चों के साथ अपने सखाओं के साथ में इसके पेट में चले गए, हृदय में, हम तो धारणा नहीं कर सकते। इतने में देखा ये फट गया, उसकी आत्मा निकली और आकाश मंडल में बिजली की भांति घूम घूम किस ले रही है, कोई कारण है। इतने में कृष्ण ने उसके मुंह को फाड़ कर और उसमें से स्वयं बछड़ों को निकाला और सखाओं को निकाला, जब ही निकले तभी ज्योति जी घूम रही थी, घूमती घूमती चक्कर काटते हुए कृष्ण के अंगूठे में पैर के देखो तो एक तो उसके पेट में गए, उसे पवित्र कर दिया और फिर वो भगवान के चरणों में ही लीन हो गया। इसको कहते हैं मुक्ति। ये कृष्ण इतने बड़े दयालु, ऐसे असुर को जो उनको मारना चाहता था तो अभी उन्हीं की चिंता कर रहा था, वो कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब उसे मैं मारूंगा, कब उसे निकल लूंगा। इस चिंता के कारण प्रभु उसके अंदर निकल गया, उसको पवित्र कर दिया और साथ साथ में इसको मुक्ति दी। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो भगवान में मिल जाए एकदम, और भगवान में अहम ब्रह्मास्मि श्रीयो अहम, बहुत खतरनाक है ये जीवन को चौपट कर दिया। भगवान के भक्तों को दिए जाने पर भी भगवान से भक्त लोग नहीं लेते, दियमान अपना ग्रहण बिना मत सेवन जा, भगवान कहते ले लो मुक्ति, भगवान कभी नहीं, खबरदार हमको मुक्ति नहीं, आपकी चरणों की सेवा चाहिए, हम जहां भी रहे विश्व में कहां भी जन्म हो हमारा, पशु पक्षी के कीट के तंग के रूप में चाहे कीट गुण के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए, बस आपके भक्तों के यहाँ हम जन्म लेना चाहते, हम मुक्ति नहीं चाहते। और एक मुक्ति होती है प्रेम सेवा जी, जैसे नारद जी, जय विजय जी और जो वहां पर ये सब मुक्ति होती है उनकी सेवा, ऐसे लोग भक्त लोग। किंतु ब्रज के भक्त लोग ये भी नहीं लेना चाहते, वो क्या चाहते हैं, ब्रज में हम तीर्ण गुण लता होए
गोपियों की चरणों की धूली को हमें स्पर्श कर सके, बस हम यही चाहते। कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं यही चाहते हैं, ब्रज में राधा कृष्ण कंजूल की हम सेवा किसी प्रकार से पाए। राधा कृष्ण प्राणो युगल पर भौरे मडरा रहे हैं और वहां पर राधा कृष्ण जी का निहार का स्थल हम कौन की सेवा ऐसी संभावना है। वो खोज करके दिन रात इसी की चिंता करता रहता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा भाई ये कैसे ये मिल करके आकाश मंडल में होकर क्या और उनके चरणों में ये प्रवेश कर गया। वो कितना बड़ा था कि सौभाग्यवान है। हम देखते हैं कि लाखों लोग लाखों वर्षों तक कृष्ण की आराधना करके उन पर ऐसे नहीं किया। आश्चर्य की बात, मैं कुछ ऐसा करूं जिनकी और कोई लीलाएं देखूं, कितनी मधुर लीलाएं। इसलिए उन्होंने जब ही ऐसी की तभी जोग माया ने एक अपूर्व खेल खेला। खेला क्या, कृष्ण के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भक्तों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वे लोग गधे भेनुकासुर हैं जो कृष्ण पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, भक्तों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए बलदेव गुरु ने भेनुकासुर का उनके लोगों का वध किया। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं यदि कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे कि इनकी कुछ और मधुर लीलाओं को मैं देख सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। योग माया ने साथ ही साथ में कुछ उनके अंदर में काम करना आरंभ किया। क्या, कृष्ण ने देखा वो ब्रज की जितनी भी माताएं हैं वो माताएं चाहती हैं कि मैं उनका पुत्र हूं, वो अपने बेटों से भी मुझे प्यार अर्जी करती हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि कृष्ण हमारे घरों में चोरी करने के लिए आता है। मन कृष्ण जाते हैं और उनकी मधुर मधुर लीलाओं को वो देखती हैं, सोचती हैं कि जब से ये कृष्ण का जन्म हुआ है हमारे घरों में मक्खन इत्यादि के लिए आता है, तब से न जाने ब्रज में कितना गुना मक्खन बढ़ गया, गायों का दूध बढ़ गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भागवत में लिखा जयति ते निकम जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा स्वस्वदत्ते दैत देशता दीक्षुतावका वैहिता स्वः त्वां विचिन्वति तव कथामृतं तरक्त जीवनं कवकी कल्पशाप सवर्ण मंगलम श
जब से कृष्ण का ब्रज में आए हैं, ब्रज धन धान्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भर गया है। तुम गाय में दूध क्यों ना बढ़ जाए? वहां की एक एक गोपियां कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। केवल लक्ष्मी नहीं, उनके अंकुर से कोटि कोटि लक्ष्मी झड़ती रहती, ऐसी वहां की गोपियां हैं। तो क्यों नहीं वो सब कृष्ण का वो दर्शन करके अर्थात ही नहीं। इस तरह से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, जोग माया ने देखा कृष्ण की ये इच्छा है कि जितनी भी ब्रज में माता है कोटि कोटि अपने बेटों से मुझे अधिक आदर करती हैं और चाहते हैं कि हमें उसका स्तन पान करो, तो मुझको ऐसा करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता तो ये यथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा वो भजाम्य हम, जो जैसा हमारा भजन करता हम करते हैं उसको उसी के रूप में उसका प्रतिफल नहीं दूंगा तो मैं अकृतज्ञ हो जाऊंगा, तो मेरी वेद की प्रतिज्ञा गीता की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। जो जो कामना लेकर के हमारी जैसी भजन करते हैं उतनी उसी रूप में भगवान उसको पूर्ण करते हैं। यदि निराकार रूप में कोई भजन करता है तो उसी रूप में मैया के रूप में तो मैया, यदि कोई मित्र के रूप में भजन करना चाहता है तो मित्र, जो जिस रूप में चाहेगा उसी के रूप में वो कृष्ण मिल जाते हैं। राम के लिए संभव पर नहीं है और दूसरे अवतारों के लिए संभव है, ये तो केवल राधा रमण जी का ही ये कृपा से। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इनकी हम इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे, इन सबका बेटा मुझे होना है। दूसरी बात एक और, ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं जिनका विवाह हो गया है जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सभी क्या चाहती हैं? कृष्ण ही हमारे पर हो, कृष्ण ही हमारे प्यारे हो, प्रियतम बने। आप लोग कृपा करके थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, काफी जगह है, काफी लोग आना चाहते हैं, बहुत जगह है, आप लोग और भी सकते हैं, आप लोग सब चले आइए। यदि दिल में प्यार है तो काफी जगह। तो कृष्ण ही हमारे प्रियतम, तो भला उनकी इस इच्छा को कैसे, ये राम तो है नहीं जो बस एक सीता का तो नहीं और सीता जी को भी निकाल दिया घर से, कृष्ण ऐसे नहीं, हमारे बड़े रसिक हैं, रसो वही सह है। इसलिए जो कोई भी इच्छा करते हैं, जो कोई इच्छा करे वो कृष्ण जरूर पूर्ण करते हैं। इसलिए सोचा कि जितनी ब्रज की लड़कियां हैं कुमारियां हैं जो भी हैं उन सबकी इच्छा को पूर्ण। एक बात और भी हुई, रामलीला में जनकपुर के जितनी भी राजकुमार जाती सीता का राम के साथ में विवाह होते देख करके उनको लोभ लग गया, वर मिले तो ऐसा ही, हे प्रभु हे भगवान हमको ऐसा ही वर दीजिए राम जैसा, तो राम जैसा वर कहां मिलेगा, तो राम को ही आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने मनी मन में उनकी भावनाओं को देख करके कहा कि देखो मैं तेरे द्वापर युग में कृष्ण होकर के आऊंगा और तुम्हारी सारी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा, इस राम के रूप में मैं माँ के आदा पुरुष सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक सीता के रहते उनको भी छोड़ना पड़ेगा किसी मर्यादा की रक्षा के, हृदय से तो नहीं छोड़ सकूंगा किंतु बाहरी तरह से हमको कुछ लोक शिक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए वो जितनी थी और दंडकारण्य में 60,000 ऋषि कृष्ण की को अपना प्रियतम बनाने के लिए गोपी भाव को प्राप्त करके गोपी भाव से कृष्ण की सेवा करने के लिए आराधना कर रही थी। 60,000 कितने वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्ष। बाई चांस रामचंद्र जी आए दंडकारण्य में गए और उनके भावों को देख करके उनकी प्रार्थना सुन करके मन ही मन में स्थिर किया इस जन्म में मैं नहीं कुछ कर सकता। तब हाँ तुम लोग द्वापर युग में गोपियों के गर्भ से जन्म लेना और मैं उस समय में कृष्ण बन करके आऊंगा और सारी जो गोपियां तुम लोग बनोगे उससे
हमारा संपर्क होगा, तुम गोपी बन करके हमारी सेवा कर सकते, तुमको अंगीकार कर दिया। शूर्पणखा जिसका ना कान काट लिया वो भी ब्रज में पहुंच गई। कैसे ऐसे पहुंची? राम के रूप को देख करके वो मुग्ध हो गई, राम के पास ले गई। मेरे समान सुंदर और आपके समान सुंदर दिवा कोई नहीं, मैंने तो अपना दिल आपके ऊपर में ले उछाव कर दिया। राम ने तो मन ही मन पूछा, जैसे मैं तो वंशा का उत्तर हूं, मैंने तो ग्रहण कर लिया, किंतु बाली रूप में नहीं ग्रहण कर सकता, एक सीता के अतिरिक्त। अच्छा ऐसा करो, इसका नाक कान काट लिया जाए ना तो कोई से शादी नहीं करेगा, इसलिए ये बच जाएगी, और दूसरे जन्म में जब तक हमसे नहीं मिलेगी तब तक कुबड़ी बना करके रखो, जो कंस के दरबार में भी जाने पर कंस इसको छेड़छाड़ ना कर सके या कोई भी दूसरा छेड़छाड़ ना करे, इसलिए उसे कुबड़ी बना। देखिए तो मुख बड़ा सुंदर बना, जब कृष्ण से मिली तब कुबड़पन को ऐसे करके बड़ी सुंदरी करके उसे भी ग्रहण कर दिया। आप लोग जानते हैं कृष्ण नरकासुर के जेल खाने में पड़ी हुई 16108 कितनी सब थी रानिया थी, राजकुमारियां थी, जिनको पकड़ करके नरकासुर ले लिया था, अपने भोग के लिए लिया गया था, कृष्ण से मार करके उनका उद्धार किया। बोले जब तुमको तुम्हारे पतियों के यहाँ बैग भेज दूं, जब पति अब नहीं ग्रहण करेंगे, मैया नहीं ग्रहण करेंगी, हमारे भाई नहीं करेंगे, हमारे पिता नहीं ग्रहण करेंगे, अब हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे, आप अपने दासियां हमें बना दें, आपके घरों में बर्तन मजेंगी, सब काम करेंगी, झाड़ू देंगी, किंतु अब आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात तो चलो मैं पटरानी बनाऊ, और सबको 16,000 दे जाकर के वहां पर पटरानी बनाया कि नहीं। ऐसा दयालु कौन जगत में है कृष्ण जैसा, जिनका भजन छोड़ करके हम ये गणेश जी और सब देवताओं की उपासना करें, ये भगवान की विभूतियां हैं, जगत की चीजें देते हैं किंतु नश्वर देते हैं, ऐसा क्यों? हम कृष्ण का तो सब लोगों की इच्छा पूर्ण करनी है, कैसे पूर्ण होगा? इसलिए जोग माया को आदेश दिया, जोग माया ब्रह्मा जी के हृदय में पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि मैं नहीं कर रहा, हम कुछ भी करते हैं बिना भगवत शक्ति के नहीं कर सकते, किंतु समझते क्या? मैंने किया, घर किसने बनाया? मैंने, मंदिर किसने बनाया? मैंने, तुमने क्या किया? इतने यहाँ के लोगों ने सब पैसे लेके दिए तब तो ये बने, जन्म किसने दिया? माता पिता ने नहीं, नहीं तलाक को बांझे स्त्रिया और पुरुष पड़े हुए, इसलिए यह सबके मूल सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, ये गोविंद ही, ये राधा रमणीय सर्वस्व है। इसलिए जोग माया जी ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके और उसने कहा कि एक ही साथ भगवान के बहुत से काम पूरा होंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब बच्चे खा रहे थे अगासुर के बाद में, जबकि उनके चरणों में मिल गए, तो वो कोई बहाना ढूंढने लगे कि कैसे इनको मैं परीक्षा करूं या कैसे मैं इनकी लीलाओं को देखूं, इसलिए वो क्या करने लगे, ये लोग जब खाने में मत हो गए तो जितने बछड़े थे वो चलते हुए घासों के लोभ से आगे बढ़े, कृष्ण को पीछे कर दिया। ये पीछा करना ही बड़ा भारी खतरनाक है, कृष्ण के सुन्मुख हो, उन्मुख हो, विमुख मत बनो। जहां कृष्ण के विमुख हुए सेवा के, वैष्णव के विमुख हुए, उन्मुख, उन्मुख और विमुख समझ रहे हैं ना, उन्मुख माने उनके तरफ में मुख और विमुख माने इन लोगों ने जब कृष्ण के तरफ में अपना पीछा कर दिया और मुख कर दिया सामने घासों के तरफ में, ये ध्यास क्या है? इंद्रियों का सुख है, इसलिए थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को सुजोग मिला और वो बच्चों को लेकर के एक अंदरा में बंद। अब वो लोग देखने लगे कि भाई बच्चे ये तो हमारे गोधन है, कहां गए ढूंढने में? कृष्ण ने कहा कि तुम लोग बैठो खाओ, मैं अकेले चलता हूं बंसी बट पर और वहीं से बंसी बजाऊंगा और वहीं से उनको बुलाऊंगा और वो झट वहीं से आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने चेष्टा की और हाथ में क्या किया, हाथ में
कवल दधी और अन्न का और बंसी को फेंटे में लगा दिया। कुछ मुख सूख सा गया, जैसे आदमियों का होता है कोई चीज गुम होने पर। आज भूखियां क्या कहेंगी यदि बछड़े नहीं लौटे और हमारे सफल ब्रज में नहीं लौटे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, कैसे ब्रज में लौटूंगा। मानो भगवान को ऐसे भगवान की भगवत्ता ब्रज में एकदम भूल जाते हैं। यशोदा जी उनका कान पकड़ेंगे, कृष्ण रोएंगे, इसलिए वहां पर भगवत्ता उनकी काम नहीं चलती ब्रज में। इसलिए सोच रहे हैं और कितने में कृष्ण खोज रहे हैं, कितने में ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को भी लेकर के एक दूसरे कंदरे में बंद कर दिया। कृष्ण सोच रहे कहां गए बछड़े, खोजते खोजते जब नहीं मिले तो लौटे उसी स्थान पर जहां पर की भांडी पर में जहां पर की भोजन कर रहे थे बच्चे लाखों। देखा कि बच्चे भी नहीं, हमारे सखा कहां गए। अच्छा थोड़ा सा आंख बंद किया, अरे ठीक है ठीक बहुत अच्छा बहुत सुख। अब हम कोई एक ही साथ में बहुत से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जितने उनके साथ में बच्चे थे वो बच्चे बन गए कृष्ण स्वयं, उनकी लड़िया बन गए, उनकी कंबलिया बन गए, उनकी बंसी बन गए और उनका जैसा स्वर जैसा स्वभाव सब कुछ कृष्ण ही बन गए। इसके बाद में क्या हुआ, जितने उनके साथ में बच्चे थे वो सब बछड़े भी बन गए। अब घर में जब लौटे बच्चों को लेकर के और बच्चों को लेकर के उनकी मैयाओं ने आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई, उनके बच्चे बने हुए कौन, उन्होंने आज अपने बेटे से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करके चुंबन करके आलिंगन करके आरती उतार करके घर में आज कृष्ण को भूल गई। आज यशोदा मैया केवल कृष्ण की आगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत और आरती उतार रही हैं और दूसरे दिन सभी माए वहां पर उपस्थित हो जाती थी माताएं और कृष्ण को पहले गोदी में लेकर के चुंबन करके आलिंगन करके आशीर्वाद लेकर के तब अपने बच्चों को गोद में लेती। आज हो गया उल्टा, अब कृष्ण को भूल क्यों, कृष्ण और बच्चे दोनों आज एक। और गैया क्या हुआ, अपने नए बच्चों को भी छोड़ करके ये पुराने जो बच्चे हैं उनका चाटने लगे, मन अपने हृदय में अत्यंत अधिक से। आज कृष्ण एक ही कृष्ण आज इतने बछड़े बन करके गायों की इच्छा पूर्ण कर दी और माताओं की इच्छा पूर्ण, और एक चीज रह गई। क्या रह गई, अभी बतला रहा हूं। गंगाचार्य ने इसी वर्ष एक वर्ष के अंदर में ये घोषणा की, यह वर्ष सबसे उत्तम वर्ष है, इस वर्ष में समस्त गोपों को अपनी लड़कियों की शादी कर देनी है जरूर। यहां तक कि जिसके गर्भ में बच्चा है उसमें यदि दोनों मिल करके ये संकल्प कर लें, यदि हमारी बेटी होगी तो तुम्हारे बेटे के साथ में शादी, और यदि बेटा होगा तो तुम्हारी बेटी होगी तब शादी कर। ऐसा भी हुआ और सब जितने भी ब्रज में जितनी कन्याएं भी सबकी शादी इसी वर्ष में हुई। किससे शादी हुई, योग मैंने ऐसी सारी इच्छाएं एक साथ में पैदा हुई। कृष्ण इसी तरह से कहते एक वर्ष तक ऐसी लीला की। ब्रह्मा ने सोचा कि देखें क्या करता है, इतने में एक मिनट के लिए गए अपने ब्रह्मलोक में, जरा देखा हूं तो वहां से वहां पर जब ही पहुंचे तो ही वहां के जो गेट कीपर है उनका, आप कौन है आप बाहर रहिए। अरे मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, तो तुम चतुर्मुख, वहां तो हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखो हमारा रूप धारण करके आए तो उसको घर में मत आने देना, उसको बाहर करते। कृष्ण वहां पर भी बैठ गए और उनको वहां पर आने नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा भाई ये कौन हमारी जगह पर बैठ गया, अरे ये तो प्रभु वही तो बैठे थे बस छठ लौटे में एक वर्ष। जब यहाँ आए तो देखा जी कृष्ण ऐसे ही को बच्चों को लेकर के सखाओं को लेकर के प्रतिदिन ले रहा है। ये बछड़े कौन है, मैंने तो उनको चुरा कर रखा, पहले देखू तो क्या करते थे ये बछड़े और बच्चे वहां पर बंद रहे। और इधर में देखे जी कृष्ण के साथ में रोज खेल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं चरा रहे हैं। अच्छा असली बछड़े कौन है, नकली कौन है, ये सोच। इधर भी देखा चार
दो सिर और चार आंखों से और उधर चार आंखों से इधर देखा जाए वो भी ठीक है, ऐसा तो नहीं करता कि इधर ले आए इधर ले आए ऐसा। तो फिर कौन से अर्थ कुछ समझ नहीं सके, तो देखा जाए ये प्रभु की झट उनके चरणों में गिर गए, प्राणों में जाकर के कृष्ण वहां पर क्या कर रहे हैं हाथ में उसी प्रकार से कौल, मुख से पसीने की बूंदे निकल रही है, मन बड़ी चिंतित है हमारे बछड़े और सखा के घर में, और बंसी भी यहाँ पर। इसके बाद में चरणों में गिर गए, जो भी थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं देखने के लिए देखा वहां पर तो कृष्ण है नहीं, जितनी वहां पर जो कुछ देख रहे हैं सब चतुर्मुख हो गए नारायण, शंख चक्र पदा पद्म लेकर के जितने पेड़ पौधे मनुष्य जितने जानवर सभी केवल चतुर्मुख माने ये हो गए नारायण काल का। और फिर उठ करके प्रणाम करना चाहे कितने में फिर देखा है कृष्ण वैसे ही बंसी लिए हुए और चारों तरफ में जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं बछड़ों को, और ब्रह्मा से लेकर के यहाँ तक के विष्णु महेश ब्रह्मा इत्यादि कोटि कोटि मुख वाले उनकी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का मुंह टूट गया। इतने में होता है क्या, बलदेव जी एक दिन जब बाकी रहा तब बलदेव जी क्या देखा, ये गाय अपने पुराने बछड़ों को अधिक प्यार करती है नए वाले को नहीं, ऐसा क्यों, और जितनी माताएं हैं अपने नए बच्चों को प्यार नहीं कर करके अपने एक वर्ष दो वर्ष वाले जो बच्चे पांच छह वर्ष वाले पुराने जो हैं उनको अधिक प्यार करते हैं क्यों। देखा जैसे ये कौन है, ये ना तो आसुरिक माया नहीं हो सकती थी, ये देवताओं की माया नहीं हो सकती, ये दूसरी कोई माया नहीं हो सकती, मैं भी नहीं समझ रहा, ध्यान लगा देगा अरे ये तो कृष्ण ही बना हुआ है, उसका एक मैया का दूध पीने से पेट नहीं भरा, लाखों मैयाओं के पेट दूध से पेट नहीं भरा, लाखों गौओं को दूध पीने के लिए लाखों बछड़े तक बना हुआ, ये तो सब झट उनके चरणों में गिर गए। कृष्ण ये साधारण नहीं है, तो ब्रह्मा जी उनके लिए प्रार्थना नौमिद्धते अभ्रपपुषे तणिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपुच्छल्लसन्मुखा वन्नस्रदे कवलपेत्रपिशानवेणु लक्ष्माश्ये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय आप देवकी के पुत्र नहीं है, आप वसुदेव जी के पुत्र नहीं है, पशु को चराने वाले जो नंद बाबा हैं उनकी जो पत्नी है उनके अंग से आप पैदा, आप तो नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन राधा कांत राधा मोहन इत्यादि, और हाथों में आप बल लेकर के चारों तरफ में विचरण कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर। अंत में उन्होंने कहा ओ भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप जो श्याम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, आप ही जगत के पूर्ण ब्रह्म हैं, सारा जी आपका दिव्य दास है, एटर्नल सर्विंग का सभी आपके पार्ट एंड पार्सल। जो लोग भगवान का भजन नहीं कृष्ण का भजन नहीं करते वे बड़े भारी दुर्भागा हैं संसार में, वो दुर्भागियां हैं स्त्रियां, इसलिए कृष्ण का ही भजन बड़े सौभाग्य की बात है। ओ भाग्यम हो बड़े सौभाग्य से कृष्ण ब्रज में रह रहे हैं, समय भी हो रहा है इसलिए संक्षेप में मैं इसको बतला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं और मैं ब्रज में कहीं गोपों की और बालिनों की चरणों की धूल मुझे मिल जाए कहीं गोकुल में मेरा जन्म हो जाए, ओ मेरा जन्म तो ऐसे संभव है, मैंने तो उनकी भक्ति नहीं की उनकी भजन में मैंने बाधा की है, इसलिए यदि गोकुल में हमारा यदि पत्थर भी बन करके आऊं तो मुझे मंजूर है, इसलिए गोपियों की बात नहीं, उन गोपियों के घर में जो मैला कट्टी कमाने वाली जमादारनी है, जमादारनी समझ रहे हैं जिसको मेहतर कहते हैं, वो भी मैला कमा करके आएंगी और अपने पैरों को हमारे ऊपर में रगड़ेंगी पानी दे करके साफ करने के लिए, उसको हमारा जीवन
जहां कहीं भी हमारा जन्म हो भक्तों की ना हमारा जन्म, यदि कुत्ता हूं मुझे ब्रह्म जन्म दिया, ब्रह्म होकर के क्या करूंगा, ये ब्रह्म दिन रात कामों में संसार में लगाऊंगा, इसलिए मैं ब्रज में कहीं भी जन्म लेना, मैं गोपियों की चरणों की मैं पुनः पुनः वंदना करता हूँ। कृष्ण उनके हाथ के खिलौने बन गए हैं, जैसा चाहती है उसे, इतने पर हाथ पर कृष्ण को नचा देती है, कृष्ण नाचते हैं बलदेव को नचा देती है, ऐसे गोपियों के चरणों की धूलि ही हमारे लिए सर्वस्व है। मैं ब्रज में कहीं भी जन्म लेना चाहता हूँ, यदि ब्रज में जन्म न हो तो कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, और भक्तों के घर में कुत्ते होकर के भी कीड़े बन करके भी हमारा जीवन था, ये भक्ति है। इसलिए हम लोग सहज रूप में महाप्रभु जी ने जो ये दिया है, हरे कृष्ण 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 इसको कृष्ण का शाब्दिक अवतार समझेंगे, इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। किसी का नाम जैसे कि घंटू मंटू कंटू झंटू इत्यादि कर दिया, इनसे कुछ नहीं होने का। अरे भाई उन लड़कों लड़कियों का नाम भी यदि भूल से भी यदि कृष्ण माधव गोविंद राम निष्ठ इत्यादि जाति नाम रखा तो आप लोगों को शादी में मुक्ति हो जाएगी उम्मीद। मैं यहाँ पर देख रहा था आ रहा था तो देखा एक जगह रामदा लिखा यदि तो कोई हराम कह करके वैकुंठ में जा सकता है तो राम दा राम को देने वाली जो भक्ति यदि इसका राम का स्मरण कर ले इसको भी तो इस बेचारे का भी उद्धार। तो यदि प्रेम के साथ में भगवान का भजन करेगा आतुर करेगा उनका नाम करेगा हरे नाम हरे नाम हरे नाम पलव नास्ते नास्ते इस सर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, प्रणामी भी नहीं देनी पड़ेगी, दिन में रात में चलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते में भी यदि राम निकल गया कृष्ण निकल गया इस चीज को जब अपने दूसरा जन्म ना होने पाए इसी जन्म में ठीक कर लो, जरा मांस मदिरा और इत्यादि से जरा हिंसा से बचो, किसी भी वैष्णव की निंदा मत करो, कोई भी वैष्णव आए उसको प्राण दे करके भी उसकी सेवा करो, उसके वचनामृत को ग्रहण करो अवश्य ही कल्याण होगा। साधु संत हरे नाम और इन सब जितने प्रकार के नाम है इसमें हरे नाम महामंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ है, महाप्रभु ने उपनिषदों से सिखाया है, इसलिए ये कलि संतों का संकरण उपनिषद का ये है महाप्रभु ने जगत में किया, इसमें सारी शक्तियां हैं, जैसे करो नामाभास भी करो किंतु याद रखो यदि कहीं वैष्णव अपराध भगवत अपराध नाम अपराध हो गया तो ये बड़ा फर्क है, तब ये पत्थर के कलेजे में पत्थर के हृदय में ये बीज नहीं भक्त नहीं, इससे बच रह करके और भगवान का नाम करो भगवान का पूजन करो इसी से मैं यही पत्थर करके सत्य समाप्त करता हूँ।